बात दिल्ली की करेंगे, जहां निक्की मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को अभी कई सवालों के जवाब तलाशने हैं और इसीलिए दिल्ली पुलिस अब वारदात की कड़ियों को आपस में जोड़ने में लगी है। पुलिस आनंद विहार से नजफगढ़ के मितरावा गांव तक के रास्तों के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें चेक करा रही है। पुलिस को यह भी पता चला है कि साहिल ने निक्की के मर्डर के बाद उसके फोन का डेटा भी डिलीट कर दिया था। अब पुलिस दोनों फोन का डेटा भी रिकवर करने में जुटी है। इस बीच निक्की का 9 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये निक्की की आखिरी तस्वीर है। 9 फरवरी की रात 9:27 पर जब वो गेट से बाहर निकली और दोपहर 1:10 पर जब वो सीढ़ियां चढ़ रही है। इसी के बाद निक्की के बारे में 5 दिन तक कुछ पता नहीं चला। परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी, साहिल पर शक जताया और जब साहिल से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने निक्की के मर्डर का गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही सभी को ये कहकर चौंका दिया कि उसने निक्की का शव इस फ्रिज में छिपा कर रखा था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। साहिल ने पुलिस को बताया कि उसने गुस्से में निक्की का मर्डर किया, लेकिन जिस तरह से मर्डर के कुछ ही घंटों बाद उसने शादी रचाई उससे ये साफ है कि मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। यही वजह थी कि 9 फरवरी को अपनी मंगनी के रस्मों के बाद वो रात को निक्की को पहले गोवा फिर हिमाचल ले जाने के बहाने बाहर लेकर गया और कार में मोबाइल चार्ज करने वाले डेटा केबल से उसका मर्डर कर दिया। साहिल पहले से मर्डर का प्लान कर चुका था, इसलिए वो निक्की का शव कार की सीट बेल्ट के सहारे बांधकर आनंद विहार से नजफगढ़ के पास मितरावा अपने गांव तक लेकर आया। करीब 40 किलोमीटर तक वो निक्की के शव को लेकर कार में घूमता रहा। आखिरकार शव को अपने ही ढाबे के फ्रिज में बंद करके शादी रचाने चला गया। पुलिस ने वो कार भी बरामद कर ली है जिसमें साहिल ने निक्की का मर्डर किया था। काफी टीम भेजी हुई है सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। रूट के ऊपर काफी लंबा रूट था और 4-5 घंटे ये लोग गाड़ी में रहे हैं, तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि ये लोग एग्जैक्टली कहाँ गए, कहाँ रुके हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रूट के ऊपर अगर कोई आई विटनेस है तो वो हमें मिल जाए। साथ ही जो बाकी टेक्निकल एविडेंस हैं इनके उस रूट की लोकेशन को प्रूव करने के लिए, वो सारे टेक्निकल एविडेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं। हत्या करने के बाद सर ये बॉडी को अपने ढाबे में फ्रिज के अंदर डंप करता है, फिर ये शादी कर लेता है अगले दिन। शादी करने के बाद आगे क्या प्लान था कि बॉडी को किस तरीके से डंप करना है, कहाँ छिपाना है, कुछ आगे इसने सोचा होगा कि बॉडी का क्या करना है? इसके बारे में हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। अब तक तो उसमें फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इन्होंने कोई अक्यूज ने कोई एग्जैक्टली नहीं बताया कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। हाँ, पर इसने बॉडी को छुपा के रखा हुआ था, वहाँ पर आके हर रोज आके देख रहा था कि कोई आया है नहीं आया, इतना सामने आया है अभी तक। पर ये अल्टीमेटली क्या करना चाहता था वो अभी तक जांच का विषय है। निक्की की ये तस्वीरें 9 फरवरी की हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि 9 फरवरी की रात को जब साहिल निक्की को उत्तम नगर के उसके फ्लैट से लेकर गया, उस वक्त निक्की की छोटी बहन भी उस फ्लैट के अंदर मौजूद थी। हैरानी की बात यह है कि जब उसकी छोटी बहन को साहिल के बारे में पता था तो निक्की का फोन बंद होने के बाद उसकी छोटी बहन ने साहिल के बारे में अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? आखिर 4 दिन तक पुलिस से ये बात छिपा कर क्यों रखी? इसके सिस्टर को भी हम एग्जामिन नहीं कर पाए हैं, पहले तो हम उनसे मिले ही नहीं थे और हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसको फ्रिज में रखा हुआ है। बस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये थी कि भाई उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।